हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो अभी अपन डीसीएम फॉर जेई का डीटीएस 33 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके टॉपिक्स थे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी एंड एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसमें आपका, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ, सीएलसी सीकर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है ये आपसे। लेट एफ इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट से आर। बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका जो एफ डैश एक्स है वो क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा। एफ डैश एक्स क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। और साथ में क्या कह रहा है आपसे, जी एक्स और एच एक्स जो फंक्शन है वो भी क्या है? इंक्रीजिंग है, यानी कि वो भी कैसे रहेंगे? ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो अब आगे क्या कह रहा है, देन द फंक्शन फाइव एक्स इक्वल टू दिस। इसके बारे में क्या ख्याल है ना? तो आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा? तो एक काम करो, सबसे पहली बात तो ये होगी कि फाइव एक्स के बारे में पूछ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन, है ना। लेकिन उससे पहले अपन देखो एक चीज, देखो आपकी जी एक्स और एच एक्स फंक्शन कैसे दे रखे हैं अपने को, इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको अपन ना कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, जी एक्स और एच एक्स में। और कैसे करेंगे, देखो आप इसको ना आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 एफ एक्स, 3 फाइव एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स, ठीक है। अब देखो आपको पास है क्या, आपके पास है एच एक्स इक्वल है किसके, एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब के। तो एच एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब, यानी कि एफ एक्स तो अपने पास है, एक्स क्यूब नहीं है। तो एक काम करो आप, माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स क्यूब कर लो इसमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो देखो एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ये तो क्या बन जाएगा अपना, एच एक्स बन जाएगा। लेकिन इसमें बचेगा क्या अपने पास, टू एफ एक्स बचेगा और साथ में और क्या है, एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और एक्स क्यूब भी है। तो एक काम करो यहाँ पर अपने को देखो क्या चाहिए, अपने को चाहिए एफ एक्स माइनस थ्री एक्स। तो एक काम करते हैं अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 एफ एक्स माइनस 6 एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 जी एक्स के। तो 2 जी एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो क्रिएट कर लेते हैं अपन अपनी तरफ से 2 एफ एक्स माइनस 6 एक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, माइनस 3 एक्स करना पड़ेगा और प्लस 3 एक्स करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। अब देखो आप ध्यान से क्या करना है अपने को, तो एक एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब तो क्या बन गया, एच एक्स बन गया, ठीक है। प्लस 2 एफ एक्स माइनस 6 एक्स ये क्या बन जाएगा, 2 जी एक्स। तो इसको भी बना देते हैं अपन। और क्या बच गया अपने पास, अपने पास बच गया एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स। तो देखो आप ध्यान से, अपने पास बचा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, और आप अपनी तरफ से प्लस माइनस इसमें 1 कर लो, प्लस माइनस 1 कर लो। तो देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी। तो इसका मतलब ये क्या बन गया अपना, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 1। और यहां पर क्या है आपके सामने, एच एक्स प्लस 2 जी एक्स प्लस, ठीक है। तो अब यहां पर ये आ गया। अब अपने पास ये कौन चल रहा है अपने पास, 3 फाइव एक्स। तो एक बात बताओ मेरे को, 5x के बारे में बताने की इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो मेरे को ये पता चल जाएगी 5 डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो मेरे को ये पता चल जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो एक काम करो ना, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लो फंक्शन को। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, 3 फाइव डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, एच डैश एक्स। इसको आप ऊपर कर लेते हैं सॉल्व थोड़ा सा, एक मिनट रुको, इसको लिख लेते हैं अपन, 3 फाइव डैश एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका एच डैश एक्स, एच डैश एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ जी डैश एक्स प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, जी डैश एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव, जी डैश एच डैश एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव, जी डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुल मिला के जो अपना 5 डैश एक्स है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन कैसा रहा होगा, इंक्रीजिंग रहा होगा, और इंक्रीजिंग किसमें रहा होगा, इंटरवल 0 से इन्फाइनिट में। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना 3, कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस हैज अ मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1, दिस साइन डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन वैल्यू ऑफ दिस ए। एक ही रेंज निकालनी है अपने को, है ना, एक ही रेंज निकालना है। तो एक काम करें छोटा सा अपन, एक ही रेंज निकालनी है मेरे को, तो एक काम करते हैं अपन पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं, एफ एक्स ही है ना। तो एफ एक्स में देखो क्या हो रहा है, ये एफ एक्स में जब एक्स 1 से बड़ा है, एक्स जब 1 से बड़ा है, तो एक काम करो पहले तो आप वन मान लेता हूं मैं यहां पर है, ठीक है ना, 1 मैंने मान लिया यहां पर है। तो देखो क्या होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो एफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस 1 के,
तो वन पर क्या वैल्यू आ रही है, जीरो आ रही है, तो क्या होगा फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे रहा होगा 45 डिग्री के स्लोप के साथ, है ना। अब इसके बाद हम बातें कर लेते हैं किसकी, LHS की। तो एक काम करो आप इसमें छोटा सा, कि देखो GIF के अंदर क्या है, ये वन तो क्या इंटीजर है तो उसको तो बाहर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगा, GIF A प्लस वन और वन कितना हो जाएगा टू माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ मेरे को, आप जब एक्स वन से छोटा है तो GIF A को की रेंज निकालनी है कहां से कहां तक हो सक्ती है, तो आप एक बताओ कि टू माइनस एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो कैसा बना होगा। तो आप चेक करो, तो x की वैल्यू वन पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, x की वैल्यू 1 रखो तो 2 माइनस वन कितना हो गया 1, तो 1 पर तो वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इसके लेफ्ट में क्या रहा होगा, तो x की वैल्यू आप 0 कर दो, तो x की वैल्यू 0 पे y एक्सिस जो कहां कट करेगा ये 2 पर, तो ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होगा, इसका मतलब ऊपरी तरफ जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन क्या होगा अपना 1 से पहले कुछ ऐसे रहा होगा। और दूसरी बात ये कि अपने को निकालनी है रेंज ऑफ a, तो एक काम करूं ना मैं, मेरे को चाहिए x इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू, है ना, यानी कि मिनिमम चाहिए। तो यहां पर यदि x equal to 1 पर ये मिनिमम है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो 1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, किसमें 1 नेगेटिव के लिए, 1 से जस्ट पहले ग्राफ नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये जो गैप है वो कितना है, 1 यूनिट का है। और दूसरी बात ये कि GIF A की जो वैल्यू जो रेंज हो सकती है वो क्या हो सकती है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यू यदि -1 होगी तो -1 ऐड होके इसको मिनिमम वैल्यू कितनी दे सकता है, 0। तो अपना जो मिनिमम है वो कहां पर रहेगा, x इक्वल टू 1 पर रहेगा। तो सिंपल सी बात है, आप इसको सॉल्व कर लो, तो x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या जाएगी, GIF A ग्रेटर देन इक्वल टू -1, देन a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो आपका क्या आया, आपका क्या आ गया, a की जो रेंज होगी वो क्या होगी, -1 से ग्रेटर होगी। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। चलो हम देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, द फंक्शन fx इक्वल टू दिस वेयर p पॉजिटिव q पॉजिटिव r पॉजिटिव assumes इट्स मिनिमम वैल्यू ओनली एट 1 पॉइंट। तो एक काम करें अपन छोटा सा, पहले तो आप इसकी डेफिनेशन से, मोड की डेफिनेशन से इसको ओपन कर लो। fx इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, fx इक्वल टू क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू आ जाएगा अपना, देखो आपके पास क्या कह रहा है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है x इक्वल टू q अपॉन p। ठीक है, तो एक तो वो दुनिया जिसमें x क्या है लेस देन 0, और एक वो जिसमें x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन q बाई पी, एंड थर्ड ग्रेटर देन q बाई पी। सही है, तो एक काम करते हैं अपन छोटा सा, इसको डिफाइन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। तो बताओ x लेस देन 0 आएगा तो क्या खुलेगा, दोनों के दोनों नेगेटिव खुलेंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव खुलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q और माइनस ऑफ p प्लस q इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ सबसे, अब इसके लिए ओपन कर लो, x ग्रेटर देन q ओपन p के लिए दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, दोनों पॉजिटिव खुलेंगे तो क्या होगा, ये होगा माइनस का q लेकिन p प्लस r इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले में क्या होगा, इंटरवल में 0 से q ओपन p में ये तो कैसा खुलेगा अपना नेगेटिव, लेकिन ये कैसा खुलेगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव खुलेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से q प्लस r माइनस p इंटू x, r माइनस p इंटू x, तो ये आ गया। अब एक काम करो, आपको बताना है कि आपसे ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है वो एज्यूम करता है इट्स मिनिमम वैल्यू एट ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, तो अब आपने रिलेशन बताना है पी और क्यू में क्या रिलेशन हो जिसके लिए एज्यूम करे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पर मिनिमम पॉइंट, मिनिमम है ना एफएक्स। तो एक काम करते हैं थोड़ा सा, पहले इसके ग्राफ के बारे में हम बात करें, तो एफ डैश एक्स निकालने हैं अपन, एफ डैश एक्स देखो क्या आ रहा है, यहां से तो आ गया क्या माइनस का पी प्लस क्यू, यहां से क्या आ गया आर माइनस पी, यहां से क्या आ गया पी प्लस आर, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन q अपॉन p, और लास्ट x ग्रेटर देन q बाई पी। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन इसके ग्राफ के बारे में बात करें, तो ये बताओ मेरे को जो अपना ग्राफ बनेगा वो कहां का बनेगा, एक तो 0 की बात होगी, एक q बाई p पर बात होगी। ठीक है, तो मैं पहले q बाई p पर बात करने जा रहा हूं, तो आप देखो q बाई p पर जो डेरिवेटिव है इसका वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि p q r तीनों ही कैसे हैं अपने पास पॉजिटिव है, तो p प्लस आर कैसा रहा होगा पॉजिटिव रहा होगा, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। दूसरी बात, यदि मैं q बाई p पे वैल्यू की बात करूं कि वैल्यू क्या रही होगी, तो आप जब x की जगह पे q अपॉन p रखोगे तो p से भी कट जाएगा, q से q कट जाएगा, तो क्या बचेगा pq, ये बचेगा आपका qr अपॉन p, क्या बच रहा है q into r अपॉन p, तो qr अपॉन p तीनों के तीनों कैसे हैं पॉजिटिव, तो qr अपॉन p भी कैसा रहा होगा पॉजिटिव, तो कुछ वैल्यू यहां पर मिलेगी अपने को, कोई पॉजिटिव वैल्यू यहां मिलेगी, और उसका जो स्लोप है वो क्या है p प्लस r है, तो वो भी कैसा है पॉजिटिव है स्लोप, तो ग्राफ कुछ ऐसे रहा होगा, है ना, इसके आगे ग्राफ कुछ ऐसे रहा होगा, लीनियर फंक्शन है ना, कैसा फंक्शन है लीनियर है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, जीरो से पहले आप बात करो, आप है ना जीरो से पहले बात करो, तो देखो जीरो से पहले ग्राफ कुछ ऐसे है,
इसका स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो सिंपल सी बात है ये भी कैसा रहा होगा, नेगेटिव ही रहा होगा। तो क्या हो जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा दूसरी बात अपन एक चीज और सोचें कि x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू आ रही है q प्लस x, तो जीरो हो गया, क्या आ गया q आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू भी कैसी रही होगी, पॉजिटिव, यानी कि y इंटरसेप्ट कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। अब q यहां भी हो सकता है और q यहां भी हो सकता है ना, लेकिन स्लोप इसकी जो ढाल है, इसकी जो स्लोप है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो कुछ ग्राफ या तो ऐसा रहा होगा या ऐसा रहा होगा, यानी कि जो q है 0, q q की वैल्यू मूव करेगी कहां है, इसके पॉइंट के ऊपर भी और पॉइंट नीचे कहीं भी आ सकती है वो, है ना। और आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन, तो एक बात और बताओ मेरे को आप, जीरो से q अपॉन p के बीच में हम बात करें तो ग्राफ कैसा रहा होगा। तो देखो आपसे कह रहा था कि जो आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा ना, एमसीक्यू पे चलो आप ऑप्शंस पर, तो आपसे कह रहा था पहली बात तो ये कि ये जो मिनिमम वैल्यू है ना सिर्फ एक ही पॉइंट पे रखनी है, इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू नहीं रखनी। तो ये कब पॉसिबल है, तो आप ऑप्शन पे आ जाओ, तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको पी नॉट इक्वल टू क्यू, आर नॉट इक्वल टू क्यू, आर नॉट इक्वल टू पी और पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। तो एक बात बताओ, यदि मेरे पास R इक्वल टू पी हो जाए, R इक्वल टू पी हो जाए, तो फिर यह स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्लोप जीरो हो जाएगा इसका मतलब जीरो से लेकर Q अपॉन P में क्या जाएगी, एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, यानी कि लाइन आ जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्लोप हो गया जीरो वहां पर। तो अपन ये कह सकते हैं ना सिंपल सी बात कि R इक्वल टू पी नहीं होना चाहिए, R इक्वल टू पी नहीं होना चाहिए, यदि अपन क्या चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या रखे, मिनिमम वैल्यू रखे, तो इसका मतलब R शुड नॉट बी इक्वल टू पी। तो सिंपल सी बात है कि अपने पास क्या होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही होगा, है ना, क्या आर नॉट इक्वल टू पी के लिए क्या होगा, फंक्शन अपना एक ही पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू रखेगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, लेट ए एंड बी, लेट ए बी बी द स्मॉलर साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल एंड सी बी द हाइपोटेन्यूज एंड एच बी द एल्टीट्यूड फ्रॉम द राइट एंगल। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो एक काम करते हैं छोटा सा अपन, पहले तो ट्राइंगल बना लें। तो ट्राइंगल कैसा बनाना है आपको, इस तरीके से बनाना है ट्राइंगल कि थोड़ा सा सिंपल रहे ना करने में क्वेश्चन। तो देखो ए और बी तो क्या है, स्मॉलर साइड्स हैं, तो ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। तो बी के सामने वाले को बी मान लेते हैं, ए के सामने वाले को ए मान लेते हैं, तो ये क्या मान लिया, सी, और सी इज द हाइपोटेन्यूज, तो सी ये होगी इसकी हाइपोटेन्यूज। तो अब एक बात बताओ मेरे को आप, ये राइट एंगल है ना, और इस पर जो परपेंडिकुलर डाला है ना इन्होंने, इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है अपने को एच, यस, एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, लेंथ एच है उसकी, ठीक है। तो एक बात बताओ मेरे को आप, c प्लस h अपॉन a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करो, सबको एक ही फॉर्मेट में, एक ही वेरिएबल में, एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे आप, इस एंगल को मान लो थीटा, तो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो ये जो लेंथ है bc की बात करूं मैं, यदि किसकी करूं मैं, bc की, तो bc कितना आ जाएगा अपने पास, bc आ जाएगा मेरे पास, या एक काम करें मैं छोटा सा, चलो पहले निकाल लेते हैं ना, पहले तो ये बताओ कितना आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा a, ये हो गया h, तो कितना हो जाएगा, रिलेशन निकाल लो अपन, है ना, रिलेशन निकाल लो, h इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा ले लेते पहले ना, तो h अपॉन a, तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू a साइन थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अपना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया इससे, इससे हो गया 90 माइनस थीटा से, ये h है ये b है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, h इक्वल टू b cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो यहां से एक रिलेशन और आ गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैंने ट्राइंगल ले लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया मैंने, a b और c, तो ये बताओ मेरे को ट्राइंगल ए बी सी में यदि मैं बात करूं एंगल थीटा की, तो इसमें मेरे को क्या रिलेशन मिल जाएगा ए बी सी के हिसाब से। तो देखो साइन की बात कर लेते पहले, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सी, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन सी, तो बी इक्वल टू क्या गया, सी साइन थीटा, बी इक्वल टू गया सी साइन थीटा। और इस वाले एंगल के लिए मैं बात कर लूं तो क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए भी साइन ले लो आप, तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन में सी आ जाएगा, तो ए इक्वल टू क्या हो गया सी, लेकिन साथ में क्या आएगा कॉस थीटा, क्लियर है बात। अब अपन क्या करते हैं, जो अपने को पूछ रहा था वो है ना, जो अपने पूछ रहा था सी प्लस एच अपॉन ए प्लस बी, इस पर आ जाओ आप, तो मेरे को बताओ आप ए और बी की वैल्यू क्या क्या आ रही है मेरे पास, सी कॉस थीटा और सी साइन थीटा, रख दें इसमें अपन, तो इसको अपन मान लेते हैं एफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा मान लेते हैं इसको, है ना, क्योंकि सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होने वाला है, थीटा में। तो बताओ ए प्लस बी क्या हो जाएगा अपना, नीचे तो आ गया सी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और नीचे और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, सी प्लस एच, सी को सी रहने दो, और h की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, h की जगह लिख सकता हूं मैं a sin थीटा या b cos थीटा, कुछ भी ले लो, b cos थीटा लिख लेते हैं ना, b cos थीटा लिख लेते हैं,
और एक बात बताओ मेरे को, अभी अभी मैंने बी की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पर, बी की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर मैंने सी साइन थीटा, तो इसको भी मैं क्या कर दूं सी साइन थीटा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा सी प्लस सी साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या हो गया सी कॉमन ले लोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो सी तो कैंसिल आउट हो गया है ना, जीरो तो है नहीं सी की वैल्यू, तो ऊपर क्या बचेगा वन प्लस साइन कॉस अपॉन में साइन प्लस कॉस। अब आपके सामने एक फंक्शन है जो थीटा में है, अब इसको आपको क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे आप एफ डैश थीटा निकाल लो, एफ डैश थीटा निकाल के क्या करोगे इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो क्या आ जाएगा अपना पॉइंट आ जाएगा जिस पे क्या है मिनिमम है और मैक्सिमम, फिर एफ डबल डैश थीटा या फिर एफ डैश थीटा का फर्स्ट डेरिवेटिव से है ना क्या कर लोगे चेक कर लोगे कि वो वैल्यू क्या है मैक्सिमम है ना, तो आराम से निकाल लोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू। एक तरीका तो ये हो गया ना, दूसरा तरीका ये भी आप ऐसा भी कर सकते हो क्या कि आप क्या करो इसमें साइन प्लस कॉस को क्या मान लो टी मान लो, तो साइन प्लस कॉस को यदि आप टी मानोगे ठीक है, साइन प्लस कॉस को टी मानोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यहां से आप देखो साइन कॉस की वैल्यू क्या आ गई टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में टू, तो आपको फंक्शन चेंज हो गया किसमें टी में, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू और नीचे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, तो अब क्या बन गया फंक्शन ऑफ टी बन गया, उसकी आप क्वाड्रेटिक से क्या निकाल सकते हो रेंज निकाल सकते हो, दोनों ही काम आप आराम से कर सकते हो। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो क्या कह रहा है, द बॉटम ऑफ द लेग्स ऑफ अ थ्री लेग्ड टेबल आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल विद साइड्स 5, 5 and 6, द लेग्स आर टू बी जॉइंड, द लेग्स आर टू बी जॉइंड एट द बॉटम बाय थ्री वायर्स इन द शेप ऑफ वाई, द मिनिमम लेंथ ऑफ द वायर नीडेड फॉर दिस पर्पज इज। तो एक बात सुनो पहले, तो एक टेबल है जिसकी जो एजेज जो अपनी लेग्स हैं वो किसमें है आइसोसेलस फॉर्म में है ना, आइसोसेलस फॉर्म में, इसका मतलब क्या हो गया कुछ ऐसे रही होंगी लेग्स है ना। अब ये कह रहा है कि ये जो लेग्स है ना इसको अपन ने वायर से बांधा, किसकी वाई की शेप में, तो कुछ ऐसे बांधा होगा ठीक है, तो इसको अपन अलग से बना लेते हैं, जो लेग्स हैं वो आइसोसेलस फॉर्म में, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी, और इसको अपन ने ज्वाइन किया कैसे वाई की फॉर्म में ऐसे फॉर्मेट में ठीक है, तो आइसोसेलस का मतलब क्या हो गया कि इस ये जो होगा है ना ये जो परपेंडिकुलर अपन डालेंगे इस पर है ना वाई जो बनेगा इस शेप में बनेगा ये तो कंफर्म है। अब ए बी सी, अच्छा इसकी साइड्स अपने को गिवन है, साइड्स क्या गिवन है अपने को 5, 5 and 6, तो पहले साइड्स आप लिख लो ना 5, 5 and 6। अब एक बात बताओ आपने जो वाई बनाया है वो तो सिमेट्रिक होगा ना भाई, तो सिमेट्रिक होगा है ना, तो अपन बात करें इसको मान लू मैं ओ, तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा ओ सी होगा है ना, और ये जो साइड होगी ये क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर क्या करता है आइसोसेलस ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, तो ये बताओ ये 6 है टोटल, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा ये दोनों ही ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब एक काम करो आप ना इसको क्या मान लो एक्स मान लो, तो ये बताओ मेरे को आप ये 3 है ये 4 है ना, ये 3 है और ये 4 है, ये 3 ये 4, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी परपेंडिकुलर 4 सॉरी ये 3 ये 5, तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी 4 आ जाएगी ठीक है, और ये मैंने यदि एक्स मानी है इतनी, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी इसकी, ये लेंथ इसी बच जाएगी तुम्हारी कितनी, ये लेंथ बच जाएगी आपकी यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ कितनी बचेगी आपकी 4 - x, क्लियर होगी बात। अब आंसर आने वाला है आपका, देखो आप ध्यान से, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ब्लू वाला ठीक है, ओ बी इसको नाम दे दो डी, ओ बी डी, ओ बी डी राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक्स है ये 3 है, तो ये क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 9 + x² आ जाएगा, सेम विद दिस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 + x², क्लियर है बात, वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कितना है 4 - x, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ वायर विच विल बी यूज्ड टू मेक दिस अरेंजमेंट है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ मेरे को आप छोटा सा बात, यहां से क्या आ जाएगा टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ ऑफ वायर बताओ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे ख्याल से 4 - x प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 9 + x², ये चीज क्लियर हो गई आपको आराम से है ना। अब इसकी लेंथ निकाल दो आप, इसको क्या मान लो एल मान लो, लेंथ है तो एल मान लेते हैं इसको है ना, एल मान लो या एफ एक्स मान लो जो भी है ना, एफ एक्स मान लो, यदि लेंथ को आपने एक्स मान लिया तो है ना एक्स की टर्म में, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया अपना, अब इसको कैलकुलेट कर लो 4 - x प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 9 + x². अब बताओ क्या करोगे, आपको क्या करना है मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ जो रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो क्या करोगे आप एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स निकाल के क्या करोगे उसका
पॉइंट्स निकाल लोगे एक्स के, है ना, जहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकती है फंक्शन एफ एक्स की। तो एक काम करो, ये तो कितना आ गया, माइनस वन प्लस टू अंडर रूट एक्स का क्या होता है, अंडर रूट वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि नाइन प्लस एक्स स्क्वायर, और अंदर वाले का चेन रूल से क्या हो जाएगा, टू एक्स। ठीक है, तो ये टू से टू कट गया, तो ये आ गया। अब इसको क्या कर देना आप, जीरो के इक्वल करके क्या कर देना आप, सीधे सीधे वैल्यू निकाल लेना एक्स की। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा नाइन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई थ्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट थ्री, तो माइनस तो होगी नहीं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे आपकी, रूट थ्री आ गई। तो एक्स की वैल्यू यदि आ गई रूट थ्री, तो एक काम करो छोटा सा, आप एक्स की वैल्यू रूट थ्री को आप कहाँ पुट कर दोगे बताओ, लेंथ आपने जो निकाली थी, लेंथ कितनी निकाली थी आपने, कर लोगे ना चेक एफ डबल डैश एक्स, इसका एफ डबल डैश एक्स चेक कर लोगे ना, वहां पे वो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा ना, एफ डबल डैश रूट थ्री क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वो शो क्या करेगा आपको, ये वैल्यू क्या है, मिनिमम देगा, ये वैल्यू क्या देगा, मिनिमम देगा एफ एक्स को। तो बताओ क्या कर लोगे, एक्स की वैल्यू रूट थ्री पुट कर लोगे इसमें, तो क्या आ रहा है, रूट थ्री का मतलब हो गया थ्री, तो ये हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व का अंडर रूट हो गया टू रूट थ्री, यानी कि फोर रूट थ्री, तो फोर रूट थ्री और फोर माइनस रूट थ्री, तो ये आ गया फोर माइनस रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री, तो कितना आ गया कैलकुलेट करके, ये फोर प्लस थ्री रूट थ्री, तो ये आएगा अपना लेंथ, टोटल लेंथ क्या आ जाएगी, फोर माइनस फोर प्लस थ्री रूट थ्री। आगे चलें, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्या कह रहा है, दी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑन दिस, इस पर कोई भी जो पॉइंट है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो निकालना है आपको। तो एक काम करें, इस पर एक जनरल पॉइंट मान लें अपन, उस जनरल पॉइंट की क्या करेंगे अपन, लेंथ निकाल लेंगे। तो बताओ जनरल पॉइंट क्या मानेंगे इस कर्व पर आप, तो आप देखो ध्यान से, आपको याद है सर्कल में क्या मानते थे अपन, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, है ना, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अब यहां पर जो लेंथ आएगी, यहां पर जो पैरामीटर आएगा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे अपन, एक्स इक्वल टू मान लेंगे ए कॉस क्यूब थीटा, और y इक्वल टू मानोगे a साइन क्यूब थीटा। तो क्या मिल जाएगा अपने को, a टू द पावर 2 बाई 3 मिल जाएगा, सही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, अब अपने को जनरल पॉइंट मिल गया कर्व पर, अब इसकी क्या मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो एक काम करते हैं पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसको फिर मिनिमाइज कर लेंगे अपन। तो बताओ डिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो ये पॉइंट क्या मान लिया हमने p, ये क्या मान लिया पॉइंट p मान लिया, a cos क्यूब थीटा प्लस a sin कॉमा a sin क्यूब थीटा, ठीक है। और अपना कहां से डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से मिनिमम करनी है डिस्टेंस अपने को, है ना, तो वो क्या हो गया जीरो जीरो। तो ओपी डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, ओपी डिस्टेंस आ जाएगा अपना ए स्क्वायर कॉस की पावर सिक्स प्लस ए स्क्वायर साइन की पावर सिक्स, और इसका क्या अंडर रूट, क्लियर है बात। अब ए तो बाहर निकाल लो आप रूट से, तो अंदर क्या बच गया, साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने अच्छे से पढ़ा है क्या, कि साइन की पावर सिक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स, क्या लिख सकते हैं इसको अपन, इसको अपन लिख सकते हैं बड़े प्यार से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, सॉरी होल क्यूब, ठीक है, सिंपल सा वैसे याद रखो ये, है ना, याद रखो हमेशा क्या, कि साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है ना, ये याद रखो आप, ठीक है। साइन की पावर फोर प्लस कॉस की पावर फोर क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना, तो सीधे याद कर लो ये। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी होगा, फिर उसको अगेन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो उसको सीधे लिख दो, है ना, क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये लिख लोगे, बस कहानी खत्म इसकी। अब क्या हो जाएगा बताओ, पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, ए अंडर रूट ऑफ वन माइनस थ्री। अब इसको आप चेंज करो क्या, फोर से मल्टीप्लाई और फोर से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा ये, साइन स्क्वायर टू थीटा। अब बताओ पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया अपना, पी क्यू इक्वल टू हो गया ए अंडर रूट ऑफ वन माइनस थ्री बाई फोर। साइन स्क्वायर एक्स की रेंज क्या होती है, जीरो से वन, साइन एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस वन से प्लस वन, तो स्क्वायर की रेंज क्या होगी, जीरो से वन, तो इसकी वैल्यू होगी जीरो से वन, इसकी रेंज जीरो से वन को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो क्या आएगा, जीरो से थ्री बाई फोर, और माइनस करना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, इसकी रेंज आ गई जीरो से वन, इसकी रेंज क्या आ गई, जीरो से वन। तो अब मैं पी क्यू की रेंज निकाल लेता हूँ ना, ये जो लेंथ है इसकी, इसकी रेंज निकाल लेता हूँ ना, क्या आ जाएगी बताओ सीधे, ए जीरो, यानी कि ये आ गया आपका माइनस थ्री बाई फोर से जीरो, तो माइनस थ्री बाई फोर करोगे वन में से, तो कितना बचेगा, माइनस वन बाई फोर से वन, और वन बाई फोर से वन आ जाएगा, एक मिनट रुको, माइनस थ्री बाई फोर से जीरो और वन में से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस थ्री बाई फोर, यानी कि वन बाई फोर, और वन माइनस जीरो यानी कि वन, तो 1 बाई फोर से 1, और 1 बाई फोर से 1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 1 बाई टू से
वन बाई टू से वन आ जाएगा, तो वन बाई टू से वन आ गया, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई टू से ए आएगी रेंज, तो मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो क्या आ जाएगा, ए बाई टू आ जाएगा, है ना, कर लेंगे आराम से। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर टी एंड वाई इक्वल टू कॉट टी, वेयर टी इज अ पैरामीटर, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी ऑन द कर्व वेयर टी इक्वल टू क्या है 5/4, मीट द कर्व अगेन एट पॉइंट क्यू, देन लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू। सबसे पहले क्या करेंगे देखो आप, सबसे पहले ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है अपने को, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है तो क्या करें अपन बताओ, है ना, अपन चाहें तो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको किसमें, नॉर्मल फॉर्म में, कैसे, कर्व निकाल सकते हैं अपन सीधे सीधे, क्या हो जाएगा देखो वाई एक्स इक्वल टू क्या लिख दो आप इसको, आप इसको लिख दो 1 + 10² तो 1 + 10² अब ये क्या है कॉट टी बराबर वाई है, तो टेन टी बराबर क्या होगा 1/y, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स बराबर 1 + 1/y² ये आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, आपसे कह रहा है टेंजेंट ड्रॉ करनी है किस पर, पॉइंट पी पर, और पॉइंट पी कहां मिलेगा जब मेरे पास टी की वैल्यू कितनी है 5/4, तो पॉइंट पी बताओ, पॉइंट पी क्या आ जाएगा, पॉइंट पी आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा सेक 5/4, सेक 5/4 की वैल्यू कितनी होगी √2 का स्क्वायर 2, यहां आ जाओ सेक कॉट 5/4 कितना होगा 1, तो पॉइंट आ गया अपना पी 2.1, तो 2.1 पे अपन क्या करने है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो निकाल दो फटाफट से, बताओ इसमें डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 = 0 - 2/y³ (y′) यानी कि dy/dx, तो क्या आ गया यहां से dy/dx आ गया आपका dy/dx, क्या आ जाएगा dy/dx माइनस का y³/2, क्या आ जाएगा माइनस का y³/2। अब dy/dx आ गया, और अपने को किस पॉइंट पे चाहिए dy/dx 2.1 पर, तो बताओ एट पॉइंट P क्या हो जाएगा 2.1 रख दोगे इसको आप, चलो तो रख लेते हैं, यहां रख लेते हैं ना dy/dx एट पॉइंट P, बताओ क्या हो जाएगा, क्या रखना है भाई की जगह 1 रखना है, तो माइनस का हाफ आ गया, ये तो क्या आ गया माइनस का हाफ आ गया, तो आपको स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ क्या हो जाएगी y − y₁ = x − x₁ × इसका स्लोप, स्लोप कितना आ रहा है माइनस हाफ, तो कर दो सॉल्व, ये क्या आ गया 2y − 2 = −x + 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका x + 2y = 4, ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये पॉइंट P तो मिल गया था, इसका पॉइंट P मिल गया था, पॉइंट Q निकालना है, तो पॉइंट Q कैसे मिलेगा अपने को, इस कर्व और इस कर्व के क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो निकाल लोगे आप, जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्यूबिक बनेगी y में क्यूबिक बनेगी, तो एक पॉइंट तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेम 1, तो वो तो लेना नहीं है अपने को, जो दूसरा पॉइंट आएगा उससे आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस आप, तो पॉइंट क्यू मिलते क्या आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा, सही है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ फर्स्ट, इसके बाद अपने पैराग्राफ शुरू होते हैं दो, तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, इफ fx इक्वल टू क्या है x² - 2x और gx इक्वल टू ये दे रखा है, तो अपने से कह रहा है बताओ द फंक्शन y = |fx इज डिफरेंशिएबल फॉर, तो एक काम करते हैं पहले तो fx की बात कर रहा है, तो fx का ग्राफ बना लेते हैं, तो fx का ग्राफ क्या बनेगा बताओ, तो fx अपना जो ग्राफ है, fx का ग्राफ क्या कह रहा है अपने से x² - 2x, तो देखो x² को आप x का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नो दिक्कत, ठीक है। अब इसका जो ग्राफ बनेगा क्या होगा, x तो कॉमन आ गया, तो x - 2, तो एक काम कर सकते हैं इसका ग्राफ जब बनाओगे आप, तो पहले तो क्या करो x² - 2x बना लो क्वाड्रेटिक का, है ना, तो x² - 2x के क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं, उसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं 0 और 2, तो 0 से और 2 से पास होगा, तो कुछ ऐसे रहा होगा, लेकिन अपने को क्या है यहां पे मॉड ऑफ x है ना, f ऑफ मॉड x का ग्राफ क्या बन जाता है अपना, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है ना, तो क्या हो जाएगा यहां से, एक काम करते हैं छोटा सा, चलो ठीक है ये आ गया। अब एक काम करते हैं इसका मॉड ले लेते हैं, मॉड ऑफ fx कह रहा था ये, मॉड ऑफ fx कह रहा था, तो क्या होगा ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा x एक्सिस से, ठीक है। तो फाइनली अपना जो ग्राफ बन गया, फाइनली जो अपना ग्राफ बन गया वो क्या बन गया, ये वाला बन गया ना, ये और ये, ठीक है। तो अब आप देख लो, ये कह रहा है कि फंक्शन y = |fx इज डिफरेंशिएबल फॉर, कितने पॉइंट्स के लिए डिफरेंशिएबल होगा, तो आप देखो एक, ये दो और ये तीन, इन तीन पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह पे क्या है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना, कंटिन्यूअस तो यहां पर भी है, बट यहां पर क्या है शार्प पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो अपन कह सकते हैं एक्सेप्ट -2, 0 और 2, इन तीन पॉइंट छोड़ के बाकी सब जगह क्या है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका,
-202, इन तीनों पॉइंट छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो पार्ट है इसका वो क्या कह रहा है, देखो अगले पार्ट के लिए थोड़ा सा समझें बात को, क्या करना है। देखो आपसे कह रहा है ये कि 0 से 1 में एफ ऑफ जी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो मेरे को फंक्शन क्या है जी एक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो देखो जी एक्स फंक्शन क्या है मेरा, मिनिमम ऑफ एफ टी जब एक्स की रेंज ये है और टी की रेंज ये रहेगी, और एक्स जब 0 से 3 में होगा तो ये रहेगा फंक्शन का मैक्सिमम लेना है एफ टी का। तो एक बार बताओ यहां पे जो अपने को इंटरवल है वो क्या है, 0 से 1 है, लिमिट क्या दे रखी है अपने को 0 से 1, तो लिमिट भी 0 से 1 दे रखी है एक्स की। तो यहां पर जो बातें करूंगा सिर्फ मैं 0 से 1 के बीच में कर लूं, क्या जरूरत है मेरे को है ना इसमें जाने की, 0 से 1 में बातें कर लेते हैं। तो देखो सुनो अपन क्या करते हैं, जो ग्राफ बनाया था अपन ने ना, ग्राफ क्या बनाया था एफ एक्स का, यही था। अब एफ एक्स बोल दो या इसको टी ले लो तो एफ टी हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफ हो गया एफ टी का। अब आपसे कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 से 3 रही होगी, 0 से 3 रही होगी, तो x की वैल्यू जब 0 से 3 होगी तो सोचो ये तो भूल ही जाओ, इसको तो भूल जाओ ना, इस वाले साइड को भूल जाओ। आप बात करते हैं 0 से किसमें, ग्रेटर के लिए। तो ये बताओ आप 0 से ग्रेटर के लिए जब मैं बात करूंगा तो ये पॉइंट है अपना 0, ये है 2, अपने को बातें करनी है सिर्फ 0 से लेकर 1 तक की। तो क्या लिखा हुआ है आगे, मैक्सिमम ऑफ एफ टी, मैक्सिमम ऑफ एफ टी लेना है आपको। दूसरी बात, 0 से जब 1 होगा तो 0 से लेके 1 में जो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यही आएगी जो पहले वाली होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 0 पर, और 0 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 1, बाकी सब तो छोटी है ना, नेगेटिव आ रही है इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया, 0 पर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 0 है। आप देखो तो 0 से लेके 2 तक क्या है इसकी वैल्यू 0, वो भी क्या है मैक्सिमम। तो अपन छोटा सा काम, एक काम ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू जब 0 से 1 में होगी, x की वैल्यू जब 0 से 1 में होगी तब t की रेंज क्या होगी, 0 से 1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 1। तो अपन 0 से 1 में जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो क्या आएगा, x एक्सिस आ जाएगा, दैट इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अपन क्या कर लें, बस चेक कर लें कि जी एक्स यदि 0 है, तो जी एक्स यदि 0 आ रहा है तो x बराबर 0 रखने पर एफ टी यानी कि एफ 0 की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 0 ही आ रही है। तो चलो कर लेते हैं थोड़ा सा आगे सॉल्व। 0 से 1 में एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी थी, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी थी। तो क्या हो जाएगा, 0 टू 1 एफ ऑफ जी जी एक्स, जी एक्स कितना आ रहा है अपना 0 से 1 में, 0 ही आ रहा है ना, 0 से 1 तक क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, 0 टू 1 भी 0 आ रहा है, वैसे तो 0 आ गया। अब आगे चलो एफ 0 की वैल्यू क्या है बताओ, एफ 0, एफ 0 क्या आएगा अपना 0 ही आएगा, ये भी तो 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया 0। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा इसका, अपना 0 आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसका आंसर क्या होगा अपना 0 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे नेक्स्ट। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे, पैराग्राफ 2 में, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एफ एक्स, जो किसका है फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, और वो ऐसी है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1 के लिए एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू आता है 1। और आपसे कह रहा है एफ ट्रिपल डैश 0 भी क्या है अपने पास 0। तो एक बात बताओ मेरे को आप, सब नॉर्मल के लिए आपको लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, सब नॉर्मल की लेंथ निकालनी है आपको। तो y इक्वल टू एफ एक्स वेयर इट कट्स द y एक्सिस। तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन निकालना है एफ एक्स। तो एक बात बताओ मेरे को आप, यदि यहां पर x की वैल्यू में माइनस 1 पुट करता हूं तो नीचे तो क्या हो रहा है 0, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और नीचे आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ माइनस 1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि 0 ही 0 की फॉर्म होगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो एक काम करते हैं ना अपन, एफ ऑफ माइनस 1 क्या मिल गया 0 मिल गया, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो एक बार और, तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 1, ऊपर आ जाएगा एफ डैश एक्स, और नीचे हो गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी भी देखो नीचे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब एफ डैश माइनस 1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है लिमिट एग्जिस्ट करे। एक और बार इसको मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया माइनस 1 पर लिमिट, और एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा अपना 6 इंटू एक्स प्लस 1। अभी भी लिमिट क्या आ रही है 1 आ रही है, तो अभी भी नीचे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो अब ये कब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जब एफ डबल डैश माइनस 1 भी क्या रहा होगा 0 रहा होगा। तो इसका मतलब लास्ट अपना क्या रह गया, अब एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस 1, तो ऊपर क्या आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, और नीचे क्या आएगा 6, और ये भी लिमिट क्या है अपनी 1 आ रही है,
अब देखो नीचे क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया, अब तो ऊपर वाले को जीरो नहीं करना है अपने को। अब क्या होगा, जब अपन माइनस वन रखेंगे तो अब यहां आ जाओ आप, जब मैं एफ ट्रिपल डैश माइनस वन की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, वो सिक्स आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश माइनस वन क्या आ जाएगा, सिक्स पांच चला जाएगा, सिक्स आ जाएगा। तो यहां से अब अपनी कहानी शुरू होती है। अब सुनो ध्यान से, आपके पास एक फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसको आपने तीन बार डिफरेंशिएट किया, तो क्या रह जाएगा आपके पास, लीनियर फंक्शन रह जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगा तो उसको क्या मान लो आप, ए एक्स प्लस बी, क्या मान लो उसको, ए एक्स प्लस बी। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या हो गया अपना तीन बार डिफरेंशिएट करने पर, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और आपसे ये कह रहा है कि एफ ट्रिपल डैश जीरो की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो। देखो लिखा हुआ है एफ ट्रिपल डैश जीरो क्या है, जीरो। तो इसका मतलब एफ ट्रिपल डैश जीरो जब रखेंगे एक्स की जगह तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। a इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू जीरो, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई, यहां से जीरो आ गई। तो b की वैल्यू तो आ गई जीरो, तो b की वैल्यू जीरो आ गई। तो अब फंक्शन क्या रह गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या रह गया, मेरा ax रह गया। और आगे आ जाओ तो एफ ट्रिपल डैश एक्स रह गया ax। अब ये बताओ मेरे को एफ ट्रिपल डैश माइनस वन की वैल्यू कितनी थी अपने पास, एफ ट्रिपल डैश माइनस वन की वैल्यू थी अपने पास ये रही सिक्स। तो क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा, a इंटू माइनस वन। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से a की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस सिक्स। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई माइनस सिक्स, तो अपन क्या करते हैं f ट्रिपल डैश x में रख दें। तो f ट्रिपल डैश x अपना पास आ गया माइनस सिक्स एक्स, सही है। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो एक बार, तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी, सही है। अब बताओ f डबल डैश माइनस वन क्या था अपना, जीरो था, ठीक है। तो एफ डबल डैश यदि माइनस वन पे जीरो है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का थ्री, और माइनस वन रखोगे आप एक्स की जगह तो वो तो प्लस वन आ जाएगा, क्या बचेगा प्लस सी बचेगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से थ्री आ गई। तो आपके पास क्या आ गया, एफ डबल डैश एक्स आ गया। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो माइनस का क्या हो गया, ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो गया। अब अगेन क्या कर दो आप, एक बार इंटीग्रेट कर दो इसको, तो एफ डबल डैश की जगह रह जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब अपॉन थ्री हो जाएगा, तो थ्री से थ्री कट जाएगा प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस वन नहीं सॉरी डी, कॉन्स्टेंट क्या मान लिया मैंने डी, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लिया जाए मामला। आ जाओ क्या करना है बताओ आपको, एफ डबल एफ डैश एक्स कितना आ गया आपका, एफ डैश एक्स आ गया आपका, एफ डैश एक्स आ गया मेरा माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस डी। अब अपने से क्या कह रहा था, वो एफ डैश माइनस वन क्या था, अभी जीरो था ये भी, तो एफ डैश माइनस वन सॉरी एफ डैश है ना, एफ डैश माइनस वन क्या आएगा अपना, प्लस वन माइनस थ्री प्लस डी, और ये भी क्या है अपना जीरो है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, यहां से डी की वैल्यू आ गई टू, तो डी की वैल्यू आ गई टू, तो अपने पास क्या बन गया, अपने पास फंक्शन एफ डैश आ गया, एफ डैश ऑफ माइनस वन आ गया क्या, यहां से d इक्वल टू टू। अब अपने पास इसका मतलब क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा f डैश ऑफ x, तो f डैश x क्या आ गया, देखो आप यहां से ध्यान से f डैश x आ गया अपने पास माइनस एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो अपने पास आ गया f डैश x। अब एक बार और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, मेरे को फंक्शन मिल जाएगा। तो एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो बताओ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन 4, तो ये हो गया माइनस एक्स टू दावर फोर अपॉन फोर। आगे चलें, थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, तो ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू। और थोड़ा सा आगे चलें, तो टू का क्या हो जाएगा, टू एक्स, एंड देन लास्ट कॉन्स्टेंट क्या मान लिया मैंने, ई। अब आप देखो ध्यान से, तो क्या मिल रहा है मेरे को कि एफ डैश यानी ये एफ वन, अपन ने जब एक्स की जगह माइनस वन रखा था तो नीचे क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, तो ऊपर भी क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू जीरो आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f ऑफ माइनस वन भी जीरो आएगा, तो रख लो आप माइनस वन, बताओ क्या आ जाएगा, यहां से माइनस वन अपॉन फोर प्लस थ्री बाई टू प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस e इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया, सॉल्व कर लो उसको फटाफट से, क्या आ जाएगा आंसर, e की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से देखो e की वैल्यू आएगी माइनस टू और प्लस का थ्री बाई टू, यानी कि क्या हो गया माइनस हाफ, माइनस हाफ, और ये माइनस का कितना हो गया थ्री बाई फोर, तो माइनस थ्री बाई फोर प्लस ई, इसको मैं इक्वल टू जीरो करूंगा, तो ई की वैल्यू आ रही है यहां से बहुत ही प्यारी सी थ्री बाई फोर। तो अपने पास फंक्शन आ गया, फंक्शन क्या आ गया अपना एफ एक्स इक्वल टू आ गया, इसको हटा दें आप, एफ एक्स क्या आ गया अपना ई इक्वल टू थ्री बाई फोर, तो एफ एक्स आ गया अपना, एफ एक्स फंक्शन आ जाएगा माइनस
x टू द पावर 4 अपॉन 4 आ गया प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 आ गया प्लस लास्ट में क्या है 2x और e की वैल्यू अपने पास कितनी आई है अभी 3 बाई 4 सो यू कैन पुट हियर 3 बाई 4 सो fx इज दिस। अब अपने पास फंक्शन मिल गया, अब कुछ नहीं करना आपको, फंक्शन है आपके पास तो आपको फंक्शन के लिए क्या बात कर रहा था ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालनी है तो आपको पता है क्या होती है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होती है अपनी y1 इंटू dy/dx एट y1, ठीक है ना, जो भी पॉइंट है अपना, तो कर लो फटाफट से। अब आपसे देखो क्या कह रहा है कि अपने को वहां निकालनी है सब नॉर्मल लेंथ जहां पर अपने को क्या है y एक्सिस जो कट कर रहा है, तो y एक्सिस जो जहां कट करेगा वहां x की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, तो यहां पर क्या हो गया f0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ 3/4, तो अपने को पॉइंट मिल गया क्या जीरो, पॉइंट क्या मिल गया अपने को 0, 3/4, तो बस सॉल्व कर लो पॉइंट मिल गया, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई 3/4, तो निकाल दो इसके आंसर कितना आ गया ये 3/4 इंटू dy/dx कर लोगे आराम से, तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा फंक्शन यही आएगा f डैश x जो भी निकाला था हमने, तो f डैश x आ रहा है अपना ये रहा f डैश x इक्वल टू ये आ जाएगा, तो इस फंक्शन में मैं क्या रखूंगा वो पॉइंट जहां पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे, तो क्या हो गया अपना पॉइंट 0, 3/4, तो रखो इसमें 0, 3/4 तो 0, 0, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो कुल मिला के अपना क्या हो गया ये 2, तो आंसर आ गया अपना 3/2, तो कुल मिला के इसका जो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगी वो क्या होगी 3/2, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू fx, तो पहले कर्व लिख लिया y इक्वल टू fx क्या करवाया था अपना, देखो fx इक्वल टू आ गया था माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 4 ये आ गया था अपना fx। तो अब अपने को इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने हैं ना, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, पहले आप f डैश x निकालें, f डैश x को 0 करें, वहां से जो अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे अपन देखेंगे साइन कहां चेंज नहीं हो रहा है, तो वो अपने को देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद फिर अब f डबल डैश x निकालें, फिर वहां पे चेक करें कि वहां पे कहां से अपना साइन चेंज हो रहा है ना, f डबल डैश x का साइन चेंज होना चाहिए और f डैश x का साइन चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना जहां कॉनकेविटी चेंज होती है ना फंक्शन की ग्राफ की है ना, तो वहीं पर अपन क्या देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो एक काम करते हैं छोटा सा, अपन fx लिख लिया मैंने, तो अब पहले आप फंक्शन डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x क्या आ जाएगा, ये आ गया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का x क्यूब, या 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3x प्लस 2, ये आ गया f डैश x इक्वल टू 0 कर लो आप इसको, तो इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आ गया यहां से, यह आ जाएगा x की वैल्यू 1 पर माइनस 1, माइनस 1 पे 0 हो रहा है, तो एक तो आ गया x प्लस 1 और दूसरा क्या आएगा इसमें, ये आएगा माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का x क्यूब हो गया माइनस x स्क्वायर, तो प्लस का x लिखना पड़ेगा, तो प्लस का x आ गया, तो प्लस का 2x और चाहिए तो 2, ठीक है ये आ गया। अब आप देखो ध्यान से, ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, ये भी फैक्टराइज हो ही रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि क्या हो गया कि f डैश x में क्या होगा कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं देगा, f डैश x कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं दे रहा अपने को। अपन चलते हैं f डबल डैश x पर, तो f डबल डैश x पर चलते हैं, तो क्या कह रहा है ये देखो, f डबल डैश x का मतलब हो गया माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3, क्या हो गया 3 कॉमन आ गया, और 3 कॉमन आ गया तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 1, माइनस का 3 कॉमन ले लिया x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस 1 आ रही है, तो एक आ गया माइनस 1 और एक आ गया प्लस 1, लेकिन आगे क्या है माइनस 3 है, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब क्या हो गया एक तो माइनस 1 पर और एक प्लस 1 पर, तो इसके दो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपके पता है क्या होते हैं वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द वैल्यूज ऑफ x एट विच द फंक्शन दिस इज डिफरेंशियबल इन द इंटरवल दिस, तो अपन एक काम करते हैं, पहले तो मोड x आ रहा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन, मोड की डेफिनेशन के हिसाब से इसको क्या कर लिया जाए, खोल लिया जाए मोड को, तो क्या हो जाएगा देखो fx इक्वल टू आ जाएगा आपका, जब x ग्रेटर देन 0 है तब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो क्या हो गया x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, तो ये तो 0 आ गया, और x लेस देन 0 के लिए खुलेगा तो क्या खुलने वाला है देखो जरा, x और x क्या हो गया 2x यानी कि 4x स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा जब ये माइनस x खुलेगा तो ये हो गया 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है ये आ गया। अब अपने को देखो
सिंपल सा आपने को ये बताना है कि फंक्शन अपना इज डिफरेंशियबल इन द इंटरवल दिस, द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन दिस वन इज डिफरेंशियबल एट इन द इंटरवल दिस, इस इंटरवल में जो डिफरेंशियबल है ना जिन पॉइंट्स पर, वो पॉइंट्स तुमको बताने हैं। तो एक काम करो ना, आप एफ डैश एक्स निकाल लो, या तो या सिंपल सा आप देखो फंक्शन क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है सिंपल। तो जीरो पर वैल्यू चेक कर लो, जीरो पर ब्रेक तो नहीं हो रहा फंक्शन, तो जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है, जीरो ही आ रही है इसकी वैल्यू। तो उसका मतलब फंक्शन क्या हो गया अपना, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी है हर एक पॉइंट पे। तो उसका मतलब क्या हो गया, किस इंटरवल में चाहिए था अपने को, -3 से 4 में चाहिए था, तो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, यानी क्या हो गया हर एक पॉइंट पे क्या है फंक्शन अपना डिफरेंशियबल है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, रोल्स थ्योरम अपने से क्या कहता है, रोल्स थ्योरम अपने से कहती है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है ना, और फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है, या फिर अपन कह सकते हैं सीधे सीधे, देखो आप ए से बी में बात कर रहा हूं मैं किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ एक्स के लिए। तो मैंने बोला यदि एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी, एफ ए इक्वल टू क्या है, एफ बी, और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस भी है, तो कम से कम है ना, कंटिन्यूअस डिफरेंशियबल है, तो कम से कम एक पॉइंट ऐसा आया होगा इन द इंटरवल ए से बी में कि वहां पे एफ डैश एक्स क्या हुआ होगा, जीरो हुआ होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी फॉर विच एफ डैश सी इज जीरो, ये आपने पढ़ा है डेफिनेशन। तो कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, अपना फंक्शन दे रखा है, इसको डेरिवेटिव निकाल लो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/5 आगे आ जाएगा, तो माइनस का 6/5 एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 6/5 माइनस 1 यानी कि 1/5, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो आप, तो क्या आ रहा है अपना पॉइंट यहां से, एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, क्या सी इक्वल टू 0 लाई कर रहा है अपने इंटरवल माइनस 1 से प्लस 1 में, यस लाई कर रहा है। अपन को क्या चेक करना है, एफ ऑफ माइनस 1 एफ ऑफ प्लस 1 और चेक करना है, तो चेक कर लो आप आराम से, इसकी वैल्यू इक्वल आ रही होगी, तभी अपन रूलिंग थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, तो एफ ऑफ माइनस 1 इवन पावर है, तो एफ ऑफ माइनस 1 और एफ ऑफ प्लस 1 दोनों पे वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 ही आएगी, चेक कर लो आप, है ना, एफ ऑफ माइनस 1 क्या होगा, प्लस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, प्लस 1 रखोगे तभी अगेन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल टू है एफ ऑफ प्लस 1, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने पर अपने को जो सी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0, विच इज लाइंग इन द इंटरवल, इन द गिवन इंटरवल, सो देयर एग्जिस्ट सम सी, है ना, तो क्या हो जाएगा, रूलिंग थ्योरम इज एप्लीकेबल, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर, इसको हटा दिया जाए, चलो फर्स्ट हो गया सही, अब सेकंड के लिए द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दिस वन, डोमेन निकालना है सिंपल, तो डोमेन निकाल लें, देखो लॉग कब डिफाइन होता है, जब ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको डिफाइन कर लो, तो एफ ऑफ 5 माइनस जी आई एफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस, इसको लिख लिया मॉड एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है सिंपल, जी आई एफ एक्स को आप वाई मान लो, तो वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 लेस देन 0, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई यहां से, वाई प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, अब वाई बिलोंग्स टू आ गया, कहां से कहां तक, माइनस 3 से 2, माइनस 3 से 2 आ गया वाई, अब ये बताओ वाई यदि माइनस 3 से 2 है, वाई यदि माइनस 3 से 2 आ रहा है, तो एक बात बताओ मेरे को आप, जी आई एफ एक्स की रेंज आ रही है ना, ये तो ये किसकी रेंज आ रही है, जी आई एफ एक्स की, तो एक्स की रेंज क्या रही होगी, माइनस 3 नहीं चाहिए आपको जी आई एफ में, तो उसका मतलब एक्स की जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, माइनस 2 क्लोज से 2 ओपन आ रहा है, तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी कि 2 ओपन ही रहेगा, ठीक है, तो क्या आ गया माइनस 2 से प्लस 2। अब अपने से क्या कह रहा था, ये डोमेन ऑफ द रेंज, अच्छा नीचे क्या है अपना फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको भी आप फैक्टराइज कर लो, क्या आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये सिंपल है ना, ये सब आपके टिप पे होना चाहिए ना हर समय, तो एक्स के लिए क्या कहनी होनी चाहिए, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 2 एंड प्लस 1, तो माइनस 2 और प्लस 1 नहीं लेना है, तो आप क्या लिखोगे, इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू, इसको एक्स हटा दो इसमें से, तो माइनस 2 ओपन से 1 यूनियन 1 से 2 आ गया इसका डोमेन, और डोमेन ये क्या चाह रहा था अपने से, माइनस 3 से माइनस 2, नहीं ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब ये ऑप्शन इसका नहीं आएगा, चलो तो इसको हटा दें अपन, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 पर, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन दिस वन
एज एन एक्सट्रीमम। तो एक्सट्रीमम कहां होते हैं हमेशा, जहां पे एफ डैश एक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पे एफ थीटा है, तो पहले एफ डैश थीटा निकाल लो आप। तो एफ डैश थीटा निकाल लिया तो क्या हो गया, ये ए कॉस थीटा प्लस थ्री से थ्री कट जाएगा, तो थ्री कॉस थ्री थीटा, यानी क्या बचेगा, कॉस थ्री थीटा। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पर जो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो चेक कर लो आप। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पर क्या आएगा बताओ, थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री पर चेक करो जरा, कॉस थीटा तो कितना हो गया माइनस वन, और ये कॉस थीटा कितना हो जाएगा अपना, ये कॉस थीटा हो जाएगा कॉस पाई बाई थ्री यानी कि थ्री। तो कितना आ रहा है ये आ गया आपका, तो एफ डैश थीटा आ गया, एफ डैश थीटा आ गया तो क्या करो बताओ, एफ डैश पाई बाई थ्री पे इसकी वैल्यू आनी चाहिए जीरो। तो क्या हो गया यहां से, ए कॉस पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा वन बाई टू, प्लस कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, तो ए की वैल्यू क्या आ रही है यहां से चेक कर लो, टू आ रही है, बट ये क्या कह रहा है माइनस टू, तो ये भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन है ना। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर में देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर फोर में ये कह रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ दिस इज डिनोट द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑप्शन नंबर फोर में देखो आप रख दो उसमें वैल्यू है ना, वन से लेके 2010 तक के वैल्यू के लिए सोचो थोड़ा सा, है ना, रखने के आएगा क्या रखने पर। तो के की वैल्यू जब वन रखूंगा मैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन आ जाएगा, और आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्यों, क्योंकि वन का जी वन का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा जीरो होगा, है ना, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है जीरो। ठीक है, तो अब इसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि अपन जब भी इसमें वन जोड़ेंगे टू थ्री फोर जब भी हम पुट करेंगे तो उनका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ही आ जाएगा, सिंपल है ना। तो सबको जब ऐड करोगे आप तो कुल मिला के आपके सामने क्या रहा होगा उसको अपन लिख लेते हैं। तो देखो आप इसको अपन सीधे लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका सीधे सीधे सिग्मा के की वैल्यू वन टू 2010 तक, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स प्लस के अपॉन 2010, बताओ क्या आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा अपना फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, डिनोमिनेटर सबका क्या रहेगा सेम रहेगा, न्यूमरेटर्स को आप ऐड करोगे तो बताओ कितनी बार आएगा ये, 2010 बार आएगा कि नहीं आएगा फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, बिल्कुल आएगा, क्योंकि के की वैल्यू क्या है वन से लेके 2010 टाइम्स है ना तक है, तो 2010 से 2010 कट गया, क्या आ गया फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आ गया। तो अब ये क्या कह रहा है आपसे, देखो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, तो क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर वन एंड फोर आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, if fx is continuous and derivable, if fx is continuous and derivable for all x belongs to R and f dash c बराबर है 0 के, ठीक है, for exactly two real values of c, then the number of real and distinct values of d for which fd is 0 can be। तो एक काम करो, पहले तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, fx is continuous and differentiable for all x belongs to R, और f dash c क्या आ रहा है अपना 0 आ रहा है for exactly two real values of c, तो पूछा है कि नंबर ऑफ रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या होंगी d की, जिसके लिए fd क्या हो जाए 0। तो फंक्शन कितनी बार कट करेगा, मतलब फंक्शन को, है ना, सो x एक्सिस को, तो ये चेक करना है अपने को, और दो बार एग्जैक्टली क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है। तो देखते हैं, एक बात बताओ मेरे को आप, एक कोई फंक्शन है अपने पास जो कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, तो उसका f dc यदि 0 हो रहा है, इसका मतलब उसका स्लोप 0 हुआ है, कहीं ना कहीं टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपन, तो एक सिंपल ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं, है ना, ये एक वो ग्राफ है पॉलिनोमियल है जो डेरिवेटिव दो बार क्या रखता है 0 रखता है, और सिर्फ एक ही बार इसने कट किया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एक बार भी नहीं कट करे, है ना, यदि कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी रेंज क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रही होगी मान लो, है ना, तो मैक्सिमम रेंज के लिए अपने, है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए अपन ने क्या सोचा कि ग्राफ क्या बन सकता है अपना, एक तो ये बन सकता है या फिर अपन एक और ग्राफ बनाना चाहें, तो क्या बनेगा देखो आप, ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसे गया हो और ऐसे टच करके इसको लौट गया हो, इसमें भी एफ डैश सी दो बार 0 हो रहा है, एक और ग्राफ बन सकता है इसमें लास्ट कि अपने को ऐसे आया इसको कट किया और फिर चला गया, तो इसमें क्या हो सकता है मैक्सिमम तीन बार इसने कट किया हो इसको, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा और कोई ग्राफ बनेगा अपना तो उसमें क्या होगा, कम से कम, है ना, तीन बार डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अपने पास दो बार यदि डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एफ डैश सी दो बार यदि 0 हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, यही मैक्सिमम तीन पॉसिबिलिटीज है, तो अपने पास क्या कह सकता है ये, तो क्या क्या संख्या हो सकती है बताओ जरा, जहां पे एफ डी 0 हो, एक बार कट कर सकता है, एक दो या तीन बार। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट, हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करेंगे अपन, इफ दिस डिनोट्स जीआईएफ एंड फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल 1 से 4 एज फॉलोज,
तो सबसे पहले एक काम करो आप, फंक्शन अपने देखा है तो आप वन से फोर में इसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। वन से फोर में ब्रेक कैसे करेंगे देखो आप, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, वन से टू, देन टू से थ्री, एंड लास्ट थ्री टू फोर। ठीक है, तो आप देखो वन से टू में क्या होगा, जी आई एफ एक्स वन हो जाएगा और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। फिर टू से थ्री में बताओ, टू से थ्री में लॉग जी आई एफ एक्स क्या होगा, टू होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एल एन टू आ जाएगा। अब लास्ट वाले की केस की बात करूं तो वो तो क्या है, एल एन एक्स है, तो उसको तो सिंपल लिख दो आप एल एन एक्स। ठीक है, एल एन का बेस क्या होता है, ई होता है ना, नेचुरल लॉग का बेस क्या है, ई। अच्छा, अब इसके ग्राफ की मैं बात करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा आप देखो ध्यान से आप, तो वन से टू में है ना, वन यहां ले लेते हैं, टू यहां ले लेता हूं और थ्री यहां ले लेता हूं मैं, है ना। तो वन से टू में, वन से टू में ग्राफ क्या बनेगा इसका, वाई एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि यही लाइन हो गई सिंपल, है ना, बना लें ग्राफ। ठीक है, अब इसके बाद में बात करूं टू से थ्री में, तो एल एन टू वैल्यू आएगी, एल एन टू वैल्यू थोड़ी ज्यादा रही होगी लेकिन वन से क्या होगी, कम होगी। उसके बाद देखें आप थ्री से फोर में क्या होगा, एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का एक्स की वैल्यू थ्री रखो आप, तो वैल्यू क्या मिल रही है, एल एन थ्री, तो फिर से गैप आ गया, एल एन टू थी ना वैल्यू टू से थ्री इंटरवल में, और थ्री से फोर में क्या जा रही है, एल एन थ्री से एल एन फोर जाएगी, तो एल एन थ्री से एल एन फोर कुछ ऐसे जाएगी ना थोड़ी ज्यादा। तो कुल मिला के क्या आ गया अपना, ये फोर मान लेते हैं इसको अपन, तो थ्री से फोर में क्या आ गया, ये आ गया। तो अपने पास साफ दिख रहा है अपने को, क्या पूछ रहा है ये आपसे कि फंक्शन कितनी जगह ब्रेक हो रहा है, तो आपको साफ दिख रहा है एक तो यहां ब्रेक हो रहा है और एक यहां ब्रेक हो रहा है, तो फंक्शन अपना क्या है, दो जगह ब्रेक हो रहा है। ठीक है, दो पॉइंट्स आ गए, तो इसका मतलब फंक्शन इज ब्रेकिंग एट टू पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से हो गया, दूसरा चलो आगे, इज ब्रोकन ये नहीं है, डज नॉट हैव अ डेफिनेट टेंजेंट। डेफिनेट टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, डेफिनेट टेंजेंट का मीनिंग ये है कि अपने पास जो टेंजेंट है अपन कितनी जगह ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो आप देखो दो पॉइंट है टू और थ्री है ना जहां पे अपन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो कुल मिला के क्या है, थर्ड ऑप्शन भी सही होगा, तो इसका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है, द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस प्लस थ्री बाई टू एल एन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, हाफ से फोर तक। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ, एक्स इक्वल टू वन, अच्छा चेक कर लेते हैं, तो पहले फंक्शन को क्या कर लें, ब्रेक कर लें अपन, तो बताओ एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा अपना ये, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, यानी कि माइनस का फोर हो गया और प्लस का क्या है, थ्री बाई टू एल एन एक्स, सेम एज इट इज। ठीक है, तो बताओ कहां से कहां तक ब्रेक करेंगे, पहले ये जो इसके क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वो क्या क्या आएंगे पता है, ये आएंगे प्लस थ्री माइनस थ्री एंड, कर लोगे इसको फैक्टराइज है ना, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एंड प्लस वन, तो माइनस थ्री तो इंटरवल में आ नहीं रहा, तो बस मैं बातें करूंगा इसकी वन की, तो आप इसको लिखो सीधे, इंटरवल एक तो आ गया हाफ से वन और दूसरा इंटरवल आ गया आपका वन से फोर। ठीक है, अब एक काम करते हैं छोटा सा अपन, हाफ से वन में ये मॉड कैसा खुलेगा, नेगेटिव, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, फोर माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एल एन एक्स आ जाएगा कॉमा। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को आप, जब मैं इसको वन से फोर में खोलूंगा तो कैसा खोलेगा, पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस थ्री बाई टू एल एन एक्स, ये भी सही है। अब सर ग्राफ बना लेते हैं, तो ये बताओ मेरे को आप, जो एक्सट्रीमम है वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, या तो क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर उसके बाउंड्रीज पर, तो चेक कर लेते हैं। तो एक बात बताओ मेरे को आप, पहले इसके जो यहां पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन है ना अपना वन पर, तो वन पे वैल्यू क्या रही है, चेक करो, लॉग वन की वैल्यू जीरो, वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है वन पर, तो पहली बात तो वन पे वैल्यू आ रही है जीरो, तो वन कॉमा जीरो क्या हो गया इसका, एक पॉइंट हो गया है ना। अब आगे चलते हैं, वन के बाद फंक्शन में क्या हुआ, तो आप मैक्सिमम वैल्यू चेक करो कहां आ रही है, फोर पर चेक करो, फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, माइनस फोर करेंगे, माइनस फोर कर दो चलो, प्लस थ्री बाई टू एल एन फोर, एल एन फोर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा इक्कीस, तो ट्वेंटी वन प्लस दिस, तो ये वैल्यू क्या आएगी, काफी एक बड़ी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, क्या आएगी, ये यही आएगी ट्वेंटी वन प्लस थ्री बाई टू एल एन फोर। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसका ग्राफ कैसा बना होगा, तो देखो लॉग वन के लिए तो वो तो वही आ रहा है, जीरो आएगा है ना, आपको क्या है, एल एच एल देखनी है बस, है ना, और यहां पे 1 बाई टू पे वैल्यू क्या आ रही है, ये चेक कर लो, तो 1 बाई टू पे लॉग की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो लॉग की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, और यहां पर जब अपन रखेंगे हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाई टू, 3 बाई टू का स्क्वायर कितना हो गया 9 बाई फोर, तो 4 माइनस 9 बाई फोर यानी कितना हो गया 16 माइनस 9 बाई फोर यानी कि 7 अपॉन 4, तो ये आ रहा है 7 अपॉन 4 प्लस 3 बाई टू एल एन टू, तो एल एन हाफ, एल एन हाफ, तो एल एन हाफ की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, इस वाली वैल्यू से, तो इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा ऐसे, है ना। बाकी आप जब डेरिवेटिव निकाल लोगे तो स्लोप आपको पता चल जाएगा क्या, कि इससे पहले क्या है फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग, उसके बाद क्या इंक्रीजिंग। एक काम और भी कर सकते हैं, बताए क्या,
वैसे भी आप देख पा रहे होगे ना, वन पे वैल्यू क्या हो रही है, जीरो, और यहां पर वैल्यू क्या है इसकी, पॉजिटिव है ना, बड़ी वैल्यू है, तो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और यहां पर फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब अपने से क्या कह रहा है ये, अब अपने से बोल रहा है ये वैल्यू क्या है, कम है ना, ये वैल्यू क्या है, कम है किससे, उससे, जहां आपने वैल्यू फंक्शन एट एक्स बराबर फोर, ये है एक्स इक्वल टू कहां पर, हाफ पर, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहां पर एग्जिस्ट करनी है अपने, एक्स इक्वल टू वन पर और एक एक्स इक्वल टू फोर पर, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, माना कि दिस, तो अपने को फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लैम्डा और म्यू का वैल्यू बताना है आपको, तो आपको पता है कि जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन जाए या वो ना बने, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो अपने को देखो साफ दिख रहा है इसमें ना, नॉट इक्वल टू भी दिख रहा है, तो अपने नॉट इक्वल टू के लिए चेक कर लो पहले आप, ठीक है, तो नॉट इक्वल टू के लिए चेक करोगे तो क्या आएगा, देखो यहां से, तो लैम्डा की वैल्यू यदि टू, देखो एक्स की वैल्यू जब टू रखोगे ना आप, तो टू रखने पे यहां पे तो ऊपर तो जीरो आ रहा है, ऊपर तो क्या आ रहा है, जीरो, और यहां पर क्या आएगा, एक्स माइनस टू आ जाएगा, यदि लैम्डा की वैल्यू क्या लोगे आप, टू, तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कट गया, क्या बचा, एक्स प्लस टू बचेगा ऊपर, तो एक्स प्लस टू में एक्स की वैल्यू टू रखोगे तो लिमिट कितनी आ गई, फोर आ गई, तो म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फोर होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन म्यू की वैल्यू फोर कहीं दे नहीं रखी, तो इसलिए मैं इसके लिए नहीं जाना चाह रहा है ना, तो अपन क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू जब टू नहीं है, है ना, टू नहीं है, तो उसके लिए अपन चलते हैं ना, चलो, तो लैम्डा की वैल्यू टू नहीं ली मैंने, तो लैम्डा की वैल्यू टू नहीं लेंगे अपन, तो यहां पर क्या आएगा, टू रखोगे आप, तो यहां पे फोर माइनस फोर तो क्या हो गया, जीरो, तो ये तो म्यू की वैल्यू तो क्या आ गई, सीधे सीधे जीरो, तो एक तो अपना इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है, और लैम्डा की वैल्यू मैंने टू नहीं ली है, तो न्यू की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं अपन, तो यहां पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस एट, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, तो यहां भी एक्स न्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, न्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, टू नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू भी टू नहीं होनी चाहिए, और न्यू की वैल्यू भी टू नहीं होनी चाहिए। चलो देखो इसका अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है, फंक्शन डिफाइंड है अपना जीरो कॉमा वन से आर, इज डिफाइंड एज दिस, फंक्शन हमने देखा है एफएक्स, और अपने से पूछ रहा है ये कि एफएक्स के बारे में बताओ, है ना, कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशियबल होगा, ये सब बताना है, बाउंडेड अनबाउंडेड, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, कंटिन्यूटी चेक कर लें इसकी, तो बताओ जीरो पर तो फंक्शन क्या है, जीरो, और जीरो पॉजिटिव पे भी चेक कर लें, तो जीरो पॉजिटिव पे क्या आएगा बताओ, तो ये तो जीरो हो गया, वन माइनस जीरो पॉजिटिव, और वन अपॉन में जीरो जो आएगा ना, वन अपॉन जीरो प्लस एच, या फिर जीरो पॉजिटिव ऑब्जर्व रखोगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, इन्फाइनाइट, तो साइन जब इन्फाइनाइट होगा तो उसकी वैल्यू क्या रही होगी, माइनस वन से प्लस वन के बीच में रही होगी, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, माइनस वन से वन प्लस वन के बीच में होगी, बट यहां पर जब आप जीरो हो गए तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो, तो कुल मिला के इसका जो f, f ऑफ जीरो पॉजिटिव, ये वैल्यू भी क्या है अपनी जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर एच एल इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, पहली बात। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए क्या करोगे आप, एफ डैश निकाल लोगे, तो एफ डैश एक्स किसकी इक्वल होगा बताओ, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में एच, तो बताओ क्या आएगा यहां पर, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जहां जहां एक्स है वहां वहां एच लिख दो आप सीधे, ना, तो एच क्यूब इंटू वन माइनस एच इंटू साइन ऑफ वन अपॉन एच स्क्वायर, यह आ गया माइनस एफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो अपॉन में क्या आएगा बताओ, एच, अब वो तो जीरो हो गया, अब एस से एक तो एच कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, एच स्क्वायर, अब फिर से दोबारा से वही, जब h 0 को टेंड करेगा तो ये माइनस वन से प्लस वन, बट यहां पर क्या h स्क्वायर है, तो 0 इंटू समथिंग वो क्या हो जाएगा, 0, तो यहां पे f डैश 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और f 0 पर भी क्या है, 0, तो इसका मतलब RHD भी क्या एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन इज डिफरेंशियबल इन 0 से 1। अब बाउंडेडनेस और चेक कर लेते हैं इसकी, है ना, तो बाउंडेडनेस के लिए एक काम करो आप, क्या करोगे, देखो आप एक काम करो, f 0 की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 0 आ रही है, f 1 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू क्या आएगी, F1, 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 1 0, तो अगेन इट विल बी 0, तो F1 की वैल्यू भी 0, तो फंक्शन की वैल्यू इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन बाउंड डिफरेंशियबल है, कंटिन्यूअस है, तो 0 पर भी 0 आ रहा है और 1 पर भी 0 आ रहा है ना, तो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड है इसका मतलब। दूसरी बात, अब तीसरी बात हम कर लेते हैं f'x की, सेम आपको क्या करना है, f'x निकालना है पहले, f'x का मतलब क्या हो गया, फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके देखो आसान है ना, f'x क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब माइनस एक्स टू दावर 4 इंटू साइन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक बार क्या करोगे, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड, ठीक है, इसका डेरिवेटिव इंटू दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव इंटू दिस फंक्शन, तो एफ जीरो और एफ डैश, एफ डैश जीरो, एफ डैश वन, यहां पर भी चेक कर लेना आप आराम से ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, बाउंडेशन चेक कर सकते हो ना, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। चले आगे नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा सेक्शन डी है ना, सेक्शन डी, सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, देखो दी फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ दिस,
तो एक काम करो, इसका तो आप सीधे सीधे क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही चेक कर लो, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक कर लो वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कहाँ आएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू थ्री पे चेक कर लो, एक्स की वैल्यू थ्री पे क्या आ रही है, इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, है ना। तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो गया, ये कितना आ रहा है 25, प्लस ये कितना हो जाएगा 2, 7 आ रही है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ एक्स गिवन है इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इन द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल दिस, मतलब अपने को कह रहा है कि इसमें ना जो ये फंक्शन एफ एक्स है इसका लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल दे रखा है जिसमें ये क्या है फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये हो गया सिंपल सी बात कि अपने को जो इंटरवल दे रखा है उसमें एफ डैश एक्स नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अपने पास यदि मैं इसके बारे में सोचूं तो माइनस टू से माइनस टू बाई थ्री, इसमें इसमें ये फंक्शन क्या है नेगेटिव, इसमें फंक्शन क्या है मेरा नेगेटिव। तो एक बात बताओ, इसमें यदि नेगेटिव है फंक्शन एफ डैश एक्स, ये किसकी बात हो रही है एफ डैश एक्स की, है ना। तो एफ डैश एक्स यदि नेगेटिव है इसका मतलब एफ ऑफ माइनस टू क्या रहा होगा जीरो, और उसके बाद क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब एफ टू बाई थ्री माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टू बाई थ्री भी क्या रहा होगा जीरो। तो सिंपल आप कुछ मत करो, सीधे एफ ऑफ माइनस टू है ना एफ डैश माइनस टू और इक्वल टू एफ डैश माइनस टू बाई थ्री, इसको जीरो कर दो, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अपन देखें तो एफ डैश एक्स क्या आ गया यहां से, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस लैम्डा, रखो इसमें माइनस टू, तो माइनस टू रखोगे तो कितना आ जाएगा, दो दूनी चार थी अब बारह, माइनस सिक्सटीन प्लस लैम्डा इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है फोर आ रही है, इसके लिए भी आप चेक कर सकते हो आराम से, है ना, माइनस टू बाई थ्री के लिए, ठीक है, तो फोर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, ए एन प्लस वन इक्वल टू क्या है, अंडर द रूट ऑफ टू प्लस ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू दिस, एन इक्वल टू वन टू थ्री अप टू इनफाइनाइट, देन फाइंड द लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ए एन, ठीक है। तो एक इसमें कंसेप्ट क्या है अपना छोटा सा, कि एन किसको टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ए एन और ए एन प्लस वन दोनों क्या होंगे लगभग बराबर ही होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो आप क्या करो इसको टी मान लो, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो, ये इसको आप टी मान लो, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया टू प्लस टी, तो कुल मिला के ये क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो कुल मिला के टी की वैल्यू आ गई एक तो टू और एक आ गई माइनस वन। बट आप देखो टी आपने इसको माना था वो किसके है रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या हो गया टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती ना माइनस वन, टी की वैल्यू माइनस वन नहीं आ सकती है ना, क्योंकि ये भी क्या है ए एन के ए एन की इक्वल था ना, ये भी अपन ने क्या लिया था कि एन किसको टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, तो ए एन और ए एन प्लस वन दोनों क्या रहे होंगे लगभग बराबर रहे होंगे, तो इसीलिए क्या हो गया टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, टी की वैल्यू नेगेटिव ले नहीं सकते अपन, है ना, टी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती रूट की वैल्यू। तो क्या आ गया यहां से टी की वैल्यू टू आ गई, और टी की वैल्यू टू आ गई तो अपन को क्या निकालना है लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट फॉर ए एन, तो ए एन की वैल्यू क्या है टू, तो क्या आंसर आ जाएगा टू ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट, हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर फोर, क्या करना है अपने को, टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर रिलेटेड एज एफ एक्स एंड जी एक्स, दो सतत और अवकलनीय फलन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक बार काम करते हैं अपन, क्या क्या पूछ रहा है आपसे, इफ द इक्वेशन इफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, मतलब एफ एक्स की अपने क्या देखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, देन द सम ऑफ डिजिट्स दिस। तो एक काम करते हैं इन सबको निकालने के लिए, पहले तो एक बात समझ लो आप कि आपको ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया ये और ये कर्व दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे टच कर रहे होंगे कहां पर x इक्वल टू टू पर, तो x इक्वल टू टू पर क्या हो गया इसकी जो वैल्यू होगी टू प्लस थ्री फाइव, जो टेंजेंट की वैल्यू होगी वही किसकी होगी एफ एक्स की वैल्यू होगी। तो सिंपल सा अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना है अपने को एफ टू निकालना है, तो एफ टू निकालने का मतलब क्या हो गया सीधे सीधे मैं क्या करूं टेंजेंट में x की जगह टू रख दूं, तो क्या आ जाएगा टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव, तो एफ टू की वैल्यू तो क्या आ गई फाइव आ गई, एफ टू की वैल्यू आ गई फाइव तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव आ गई, बात खत्म। आगे चलें, अब आगे चलते हैं, अब देखो अपने को कह रहा है कि लिमिट एक्स सॉरी एक्स इक्वल टू टू पे वैल्यू क्या आ रही है के आ रही है, और यहां पे टू रखेंगे तो क्या हो रहा है नीचे जीरो बन रहा है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो, है ना। तो क्या होना चाहिए के की वैल्यू यदि फाइव आ रही है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू के लिए एफ एक्स पर क्या आना चाहिए फाइव आनी चाहिए लिमिट, तो एफ एक्स क्या है अपना ये, तो इसको रख दो आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू ऊपर क्या है अपना जी एक्स माइनस फोर अपॉन में एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना है फाइव, तो करो इसको, तो एक्स इक्वल टू टू पे ये जीरो, ये भी क्या होना चाहिए जीरो, तो यहां से क्या मिल गया मेरे को कि जो जी टू की वैल्यू है दैट शुड बी फोर, क्या होना चाहिए वो फोर। अब अपने इसमें क्या लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखो जी डैश एक्स अपॉन में बना जाएगा, तो यहां से क्या आ गया जी डैश
टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से फाइव आ जाएगा, जी डैश टू कितना आ गया फाइव। और आगे चलते हैं थोड़ा सा और, तो अपने पास क्या क्या आ चुका है, जी डैश आ गया, जी टू आ गया, एफ टू आ गया। अब एफ डैश निकालना है, तो एक काम करो आप इस फंक्शन को ले लो, है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को जी एक्स माइनस फोर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां ले आओ एक्स माइनस टू को, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट लगा दो आप, है ना, तो वन इंटू एफ एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं एक बार और, अब अच्छा आपने को क्या चाहिए, एफ डैश टू चाहिए, तो एक काम करो ना आप, एफ डैश टू तो आपको वैसे ही मिल जाता सीधे, है ना, एफ डैश टू कम लगा हो गया टू पर स्लोप, तो वो तो कितना आ जाएगा सीधे वन आ जाएगा, तो सोचने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, तो एफ डैश टू तो क्या आ गया सीधे वन आ गया, यहां लिख दूं मैं एफ डैश टू कितना आ गया वन। अब आ जाओ यहां पर, है ना, तो एफ डबल डैश निकालना है, क्या निकालना है, जी डबल डैश निकालना है, ठीक है, तो जी डबल डैश के लिए आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा देखो एफ डैश एक्स प्लस यहां पे क्या आएगा एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव वन, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा बताओ एक्स माइनस टू इंटू एफ डबल डैश आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा जी डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या रख लो आप, टू रख लो, तो एक्स की टू पे एफ डैश टू कितना था अपना, एफ डैश टू आया था वन, एफ डैश टू ये भी वन है, ये तो जीरो हो गया, जी डबल डैश टू आ जाएगा यहां से, है ना, जी डबल डैश टू कितना आ गया अपना वन ओ वन टू, ये कितना आ गया दो आ गया, तो एक काम करते हैं ना अपन वैल्यू रख लेते हैं, तो ये वैल्यू कितनी है टू, जी डैश टू कितना आया था अभी, जी डैश टू कितना आया था अभी फाइव, ये था फाइव, जी टू कितना आया अपना अभी फोर, एफ डैश टू कितना आया अभी अपना वन, और एफ टू कितना आया था अपना शुरुआत में फाइव, तो कितना हो गया पांच और एक छः, छः और चार दस, और पांच पंद्रह और दो सत्रह, तो इसका सम कितना आ रहा है सेवनटीन आ रहा है, और इनकी सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा सेवन प्लस वन एट, तो इसका आंसर क्या आएगा एट, ठीक है ना, ऐसे करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखो क्या कह रहा है, इफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए से बी वेयर ए बिलोंग्स टू जीरो से फाइव टू और बी बिलोंग्स टू, मतलब फर्स्ट इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, ए और बी दोनों ही, सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो एक काम करते हैं, पहले तो ए और बी निकालने पड़ेंगे अपने को, तो ए और बी निकालने के लिए पहले एक काम करो इसको सॉल्व करो इनइक्वालिटी को। तो देखो टेन एक्स अपने को दे रखा है, और टेन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स लेस देन माइनस वन। अब एक काम करो उसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा ये थ्री टेन स्क्वायर माइनस टेन की पावर फोर, प्लस में आ जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर लेस देन क्या हो गया जीरो। इसको और सॉल्व करो थोड़ा सा, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, वन माइनस टेन की पावर फोर यानी क्या हो गया वन माइनस टेन स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा, और वन माइनस क्या है थ्री टेन की टेन का स्क्वायर, है ना, लेस देन जीरो ये आ गया। अब यहां से क्या करो इसको सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसको तो मैं कर देता हूं यहां से गायब, ठीक है, क्या बचा अपने पास, ये बच गया सिर्फ। अब अपने पास जो क्वाड्रेंट है ए और बी, ए और बी किसको में लाई कर रहे हैं जीरो से पाई बाई टू, और बी भी लाई कर रहा है जीरो से पाई बाई टू में, ठीक है, और एक्स बिलोंग कर रहा है अपना ए से बी, एक्स बिलोंग किसको कर रहा है ए से बी को। तो एक बात बताओ मेरे को आप, यदि एक्स ए से बी बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें चल रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बातें चल रही, तो अपन एक काम करते हैं ना सीधे सीधे इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, और तो वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी, और नीचे क्या आ गया वन माइनस रूट थ्री टी इंटू वन प्लस रूट थ्री टी लेस देन जीरो। कुछ नहीं करना आपको, टेन की वैल्यू वन और माइनस वन कहां पे होगी, माइनस पाई बाई फोर और प्लस पाई बाई फोर पर, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यहां से नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इनको प्लॉट करना है। तो आप एक काम करते हैं अपन नॉर्मल सॉल्व करते हैं ना, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, टेन टेन की रेंज निकालते हैं मैंने ना, टेन की रेंज क्या होगी देखो माइनस वन वन और माइनस रूट थ्री, यानी कि माइनस का वन अपॉन रूट थ्री, तो माइनस वन माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस वन बाई रूट थ्री एंड प्लस रूट थ्री सॉरी प्लस वन क्या आएगा प्लस वन, ठीक है। अब कर लोगे इसको सॉल्व आराम से, एक काम और करना आप, टेन माइनस वन माइनस रूट थ्री है ना, तो माइनस साइन कॉमन ले लेना दोनों के, है ना, दोनों के माइनस साइन कॉमन ले लेना आप यहाँ पर, तो क्या शुरुआत हो जाएगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लेस देन जीरो। इसका आंसर क्या आएगा, एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, लेकिन अपने से क्या कह रहा था ए और बी दोनों किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अपने पास क्या आएगा वन बाई रूट थ्री और वन, तो कर लोगे आराम से सॉल्व, ए और बी दोनों मिल गए तो वन बाई रूट थ्री और वन, तो वन माइनस क्या आ जाएगा बताओ टेन थीटा, यदि वन बाई रूट थ्री है तो टेन थीटा वन बाई रूट थ्री कहाँ पे होगा पाई बाई सिक्स पर, तो पाई बाई सिक्स हो गया,
टेन थीटा वन कहां पर होगा, पाई बाई फोर पर, तो बी कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा। तो बस 36 अपॉन पाई सॉल्व कर लेना आराम से, पाई से कॉमन ले काट देना, कितना आ गया 6 माइनस 4 कितना हो गया 2 अपॉन 24, 1 बाई 12, 12 3 जा 36, तो 03 आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 आ जाएगा। ठीक है चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो एक काम करो पहले तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल मान लो एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है एफ एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे अपन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है अब आपको क्या क्या दिखाया, देखो एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ थ्री दिखाया अपने को, तो एफ ऑफ माइनस वन कितना हो गया माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, ठीक है इक्वल टू क्या है अपने को 10, और दूसरा दिन को देखा है एफ ऑफ थ्री, ये कितना हो जाएगा 27 ए प्लस 9 बी प्लस 3 सी प्लस डी, और ये कितना है 22 कैसा माइनस का। अब अपने से कह रहा है कि जो एफ एक्स है वो क्या है x इक्वल टू माइनस वन पे क्या रखता है लोकल मिनिमम मैक्सिमा, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा x इक्वल टू माइनस वन पे, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं अपन, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहां से 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी, तो एफ डैश कहां पर बताओ x इक्वल टू कितने पे माइनस वन पर, तो कितना आ जाएगा ये 3 ए माइनस 2 बी प्लस सी क्या आ जाएगा जीरो, डेरिवेटिव क्या रहा होगा जीरो x इक्वल टू माइनस वन पे। और दूसरा एक और बताओ मेरे को आप, आपसे कह रहा है ये कि एफ डैश एक्स क्या है लोकल मिनिमम रखता है कहां पर x इक्वल टू वन पर, तो एफ डैश एक्स यदि लोकल मिनिमम रखता है तो एफ डबल डैश एक्स क्या रहा होगा वहां पर जीरो, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लो आप, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा यहां से 6 ए एक्स प्लस 2 बी, और इसकी वैल्यू कहां पर निकालनी है अपने को एफ डबल डैश की प्लस वन पे, तो प्लस वन पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी देखो 6 ए प्लस ये कितना था है ना 6 ए एक्स प्लस 2 बी ये कितना था 2 बी, ठीक है तो क्या हो जाएगा यहां पे 2 बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, तो बी इक्वल टू क्या आ गया यहां से बी इक्वल टू आ गया माइनस 3 ए, बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3 ए, और बी इक्वल टू आ गया माइनस 3 ए, तो एक काम करते हैं अपन, अब देखो सुनो मेरी बात क्या करना है आपको, बी इक्वल टू माइनस 3 ए आप रखोगे किसमें इसमें, तो ए और सी में इक्वेशन आ गई, और सेम क्या करोगे आप यहां पर भी बी की वैल्यू मतलब माइनस 3 रखोगे तो यहां पर भी क्या आएगी अपनी ए और सी में इक्वेशन आ जाएगी, अपन ए और सी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए आ गया सी आ गया, फिर यहां रख दोगे तो क्या आ जाएगा बी भी आ जाएगा, तो करना कुछ नहीं है अपने को ए बी सी डी की वैल्यू जब आ जाए तो इस फंक्शन में रखने के बाद जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या निकालोगे एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को इक्वल टू जीरो पुट करने पे जो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो क्या आएंगे आपके एक्स इक्वल टू माइनस वन और थ्री, तो अब करना क्या है आपको आप ध्यान से देखोगे तो माइनस वन और थ्री पर यदि ये लोकल मैक्सिमम मिनिमम रखता है तो इस फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसे रही होगी है ना, मान लो यदि आपकी वैल्यू क्या रही है इसकी f3 की वैल्यू क्या रही है माइनस 22, तो इसका मतलब फंक्शन क्या रहा होगा कुछ ये रहा होगा क्या ठीक है देखो आ जाओ, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसे रही होगी ना कि 10 पर वैल्यू कितनी है इसकी माइनस 1 पर वैल्यू है 10, यहां मिनिमम बनेगा ना यहां पर क्या बनेगा मिनिमम ऐसे, तो यहां पर तो क्या बन गया 10 वैल्यू ठीक है एफ ऑफ माइनस वन सॉरी एक मिनट ठीक है एक काम करते हैं आ जाओ देखो एफ ऑफ माइनस वन कितना है अपने पास 10 रहा होगा और एफ ऑफ थ्री कितना है माइनस 22, तो ये नीचे रहा होगा तो फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी रही होगी ठीक है। अब अपने को क्या निकालना था डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स है ना, जो दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस निकालना था, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे आप है ना, पहले आप एफ एक्स निकालना है ना, एफ एक्स निकालते ही आंसर आ जाएगा सीधे, तो क्या हो जाएगा दोनों के बीच में डिस्टेंस ये कितना है 10 और ये कितना है एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है 22, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 32, तो दोनों हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स की जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 32 होगा है ना, कर लेंगे सॉल्व इसको आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ मटेरियल इज अवेलेबल टू मेक अ बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड एन ओपन टॉप इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज वी, लार्जेस्ट जो पॉसिबल वॉल्यूम है उस बॉक्स का वो क्या है वी, देन फाइंड वी अपॉन 1000। तो एक काम करते हैं अपन, एक आपको क्या है बॉक्स बनाना है ना, बॉक्स बनाना है जिसका टॉप खुला हुआ है ना, क्या है टॉप खुला हुआ है, तो एक्चुअल में कुछ ऐसी इमेज है ना, देखो देखो इसका जो बेस है वो क्या है स्क्वायर है
तो इसको क्या मान लो आप एक्स एक्स मान लो और हाइट मान ली मैंने इसकी एच, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया इसका बताओ मेरे को, वॉल्यूम क्या हो गया इसका, बेस इंटू हाइट यानी कि एच, ठीक है। अब एक काम करो आप, आपके पास टोटल मटेरियल कितना है अपने पास 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो अब एरिया कितना हो जाएगा टोटल इसका जो रिक्वायर्ड है अपने को यूज करना है, तो एक तो बेस का एरिया प्लस एरिया ऑफ फोर साइड, तो क्या हो जाएगा बेस का एरिया क्या हो गया है ना, टोटल एरिया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ फोर साइड्स, और तो फोर साइड कौन सी है एच इंटू एक्स, तो प्लस क्या आ गया फोर एक्स एच ये आ गया, और ये कितना गिवन है अपने को 1200, तो 1200 कर देते हैं इसको अपन। अब मेरी बात सुनो, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा तरीका है, आप क्या करो एक काम करो उसमें h की वैल्यू निकाल लो आप, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 1200 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x ये आ गया। अब h की वैल्यू उठा के इसमें रख दो आप, तो वॉल्यूम आ गया किसके x के टर्म में, एक्स स्क्वायर इंटू 1200 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 4x। अब x जीरो तो है नहीं तो इसको कट कर दो, तो क्या हो जाएगा अपने पास इक्वेशन आ गई किसमें x में, अब अपने पास वॉल्यूम है किसमें x के फॉर्म में, तो आप क्या करो उसको क्या करना है अपने को अधिकतम संभव आयतन है ना dv अपॉन dx निकालना है, उसको मैक्सिमाइज करना है, तो dv अपॉन dx निकाल लोगे आप आराम से, तो dv अपॉन dx निकालने के बाद क्या करना है अपने को, जब d2v अपॉन dx2 निकालेंगे तो वहां पर वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, तो वो क्या शो करेगा कि जो dv अपॉन dx पे क्रिटिकल पॉइंट आया है वहां पर जो वॉल्यूम होगा इसका वो क्या होगा मैक्सिमम होगा है ना, मैक्सिमम होगा, तो कुछ नहीं करना पहले इसको थोड़ा सॉल्व, चलो मैं कर दूं थोड़ा सा और, तो क्या हो जाएगा बताओ ये आ जाएगा आपका 1200 x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में क्या है 4, तो उसको सॉल्व करना है बस सिंप्लीफाई करना है, क्या हो जाएगा 1200 माइनस 3x स्क्वायर, तो v बराबर क्या आ जाएगा एक मिनट d अपॉन dx में लिख दूं यहां पर d अपॉन dx ऑफ दिस, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट कर लो आप, क्या आ जाएगा ये 1200 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 4, इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो कितना गया 3 × 12 = 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ रही है 20, अब बताओ x की वैल्यू 20 आ रही है तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 का क्या हो गया 400 है ना, 400 यानी कितना बचा 800, 800 मतलब 200/20, तो कितना आ गया 10 आ गया, h की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो h की वैल्यू आ गई 10 है ना, इस पर जब डेरिवेटिव निकालोगे आप सेकंड डेरिवेटिव तो क्या आ रहा होगा वो नेगेटिव आएगा पक्का है ना, तो यहां पर क्या होगी x की वैल्यू 10 x की वैल्यू 20 और h की वैल्यू 10, इसको आप रख लोगे तो क्या जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाएगा, और मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है मेरे ख्याल से कितना देखो आप 20 का स्क्वायर 400 इंटू ये तो 4000 आ गया, तो वॉल्यूम आ गया 4000, अपने को क्या करना है 4000 अपॉन 1000, तो कितना आंसर आएगा इसका 4 आएगा, ठीक है, तो इसका तो आंसर क्या आएगा 4, तो इस तरीके से आप मेहनत करते हैं क्वेश्चन करते रहे ना, जो कोई डाउट आता है उसको आप भेज सकते हैं अपने इस पर है ना ऐप पर, थैंक यू।